नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शोभनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बाराबंकी जिले में दूसरे चरण में निकाय चुनाव होने हैं और इसमें 11 मई को मतदान है, जिसको लेकर आज पूरी तैयारियां जो है कर ली गई है और आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो 11 मई को मतदान में जिसको लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। जिले के सभी तहसीलों व कलेक्ट्रेट में भी नामांकन स्थल पर जिले की एकमात्र नगर पालिका परिषद और 13 नगर पंचायत के होने वाले चेयरमैन और सदस्य वार्ड उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिले के कलेक्ट्रेट व नवाबगंज तहसील परिसर में नामांकन स्थल बनाए गए हैं, जहाँ पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। न्यायालय उप जिलाधिकारी नवाबगंज में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद उम्मीदवार के लिए बात अगर जैतपुर व देवा नगर पंचायत के साथ सत्रीक की करें तो कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी कार्यालय न्यायालय में नामांकन स्थल बनाए गए हैं। फिलहाल आज शहर में जगह जगह बैरिकेटिंग करवा पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। जिले की नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद से सभासद चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदने आए उम्मीदवारों ने बातचीत के दौरान कहा कि आज उन्होंने नामांकन के लिए पर्चे खरीदे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वार्ड में साफ सफाई विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं नगर पंचायत बंकी वार्ड नंबर 12 से सभासदी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। पर्चा आज फॉर्म भर रहा था, पहला दिन है आज, तो पर्चा लेकर आए हैं, उसको भरवाना है, तमाम जो प्रक्रिया है उसको पूरी करना है। बेसिक मुद्दा वही साफ़ सफाई, नाली, खड़ंजा। नगर पंचायत सदस्य के लिए तो यही है कि साफ़ सफाई रहे मोहल्ले में, और जो गरीबी रेखा के नीचे जो आ रहे हैं, जिनके आवास अभी तक आवंटित नहीं है, उनके लिए कुछ काम किया जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं मिले हैं, बने हैं, जो पात्र हैं वाकई में। और तादले में भर के शाम को कल मैं जमा करूँगा, पैसा बैंक में जमा होगा, वहाँ जमा करके उसके बाद में प्रक्रिया पूरी करके तब पर्चा दाखिला कर सभासदी का चुनाव लड़ लें। वार्ड नंबर 7 से कटरा बाड़िया टुल्ला फजुल्लागंज से महिला प्रत्याशी हमारी बीबी राबिया खातून नाम है। 2012 में चुनाव लड़े थे तो कम वोटों से हराए, मतलब जीते थे, हरा दिए गए थे, पर सत्ता पक्ष के लोगों ने हरा दिया था। नहीं, अभी तो नामांकन नहीं हो रहा, अभी से नामिनेशन पत्र खरीदे जा रहे हैं। नामांकन हमारी पार्टी जब करेगी सब लोग साथ में करेंगे। किस पार्टी से? हम तो समाजवादी पार्टी से। हमारे पास सड़क, सफाई, बिजली, नाली, यही मुद्दे हैं और हम इन्हीं मुद्दों के साथ, जनता के साथ, अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत समाजवादी पार्टी नगर पालिका परिषद और जिले की सारी सीटें जीतने जा रही है। सर, समय जनता जनता पहले ही मन बना चुकी थी, जनता पहले ही मन बना चुकी है, समाजवादी पार्टी आ रही है और पूर्ण रूप से हम लोग जीतेंगे सब लोग। तो रही जालौन दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमटी आईएएस अधिकारी अमित किशोर जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा संचालित योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी गई। विद्युत स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। DVVNL लिमिटेड के MD पहुंचे SDO ऑफिस और योजनाओं की जमीनी हकीकत भी इस दौरान परखी गई। तो समीक्षा बैठक के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। DVVN लिमिटेड के MD पहुंचे थे SDO ऑफिस। ये सबसे प्रथम तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि गर्मी, जो भीषण गर्मी शुरू हो गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और हमारे जो चेयरमैन सर हैं, इनका स्पष्ट निर्देश है क्योंकि विद्युत आपूर्ति अच्छी रहे, इसका गर्मी कोई किस तरह की समस्या न हो। तो यहाँ जितने हमारे अधिकारी, हमारे एक्सी साहब हैं, बाकी भी अधिकारी, इनको निर्देशित किया गया है, जितने हमारे ट्रांसफार्मर हैं जो इनका एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लें और ऑयल का लेवल देख लें, चाहे हमारे पावर ट्रांसफार्मर हो, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। उसके अतिरिक्त जो राजस्व वसूली है वो काफ़ी कम है यहाँ, जिसके बारे में भी करीबन 20 करोड़ से अधिक यहाँ राजस्व इस महीने आना है, लेकिन अभी बहुत संतोषजनक प्रगति नहीं है। प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन सभी पार्टी के प्रत्याशियों के ने अपना अपना नामांकन कराया है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और
आम आदमी पार्टी के महापौर के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के पहुंच रहे सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने अपने मुद्दे गिनाए और निकाय चुनाव में अपनी जीत का दावा भी किया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के साथ नामांकन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने RNTV संवाददाता से को बताया है कि इस बार निकाय चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा और बीजेपी 17 में से 17 नगर निगमों में अपना झंडा फहराएगी। सर, आज नामांकन हुआ है पहले चरण का, कैसे देखते हैं, क्या तैयारियां हैं बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के तहत लगातार लोगों के बीच में काम करती रहती है और प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, अमृत योजना, घर घर के से कूड़ा उठाना, कचरा उठाना, पेयजल की व्यवस्था करना, सारी सुविधाएँ हमारी सरकार देती आ रही, लोगों को आवास देती आ रही है, पहले से तैयारी है। इसलिए बीजेपी की लगभग सभी सीटें, मेयर की सभी जीतेंगे, नगर पंचायत की बड़े पैमाने पर सीटें जीतेंगे 90% से ज़्यादा, और 90% से ज़्यादा हम नगर पालिका भी की सीटें भी उत्तर प्रदेश में जीतने का काम करेंगे और फिर से एक ट्रिपल इंजन की सरकार लोकल बॉडी में बनने का काम जनता कराएगी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अजन्ना इस बार निकाय चुनाव में भाजपा को हटाने का काम करेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, वो 2022 में बीजेपी की योगी जी की सरकार हटा रहे थे और 403 में 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। बड़बोलेपन है, उलूल जुलूल बोलते हैं, लोकल बॉडी के चुनाव में उनको कोई सफलता मिलने नहीं जा रही, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं मिली। बड़े पैमाने पर लोग विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर, निश्चित तरीके से अच्छी और रोजगार के सवाल पर बीजेपी को वोट करेंगे, कमल के निशान पर वोट देने का काम जनता करेगी। उनके दल के लोग भी, उनके सपोर्टर भी बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि निकाय चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बनाएगी। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, RNTV लखनऊ। मैं खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन सभी पार्टी के प्रत्याशियों के अपना अपना नामांकन कराया है। वहीं बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के महापौर के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने पहुंच रहे सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने अपने मुद्दे गिनाए और निकाय चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी की अंजू भट्ट ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह से लखनऊ की दुर्दशा हुई है उसको सुधारना उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्रतिद्वंदी तो फिलहाल हम किसी को नहीं मानते हैं, पहली चीज कि हम काम पे फोकस करते हैं। दूसरी चीज कि मैं आपसे कहूंगी, अगर मैं आपको कोई सुविधा दे रही हूँ, आप उससे संतुष्ट हैं, तो आप मुझे क्यों हटाना चाहेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप बाकी मेयर से संतुष्ट थे तो आप उन्हें नहीं हटाएंगे। अगर आप मेरे कामों से संतुष्ट होंगे, अगर आपको हाउस टैक्स आधा करवाना है, अगर आपको वाटर टैक्स नहीं देना है, या जो आम सुविधाएं हैं वो मैं बढ़ा के आपको देती हूँ, चीज़ें ठीक करती हूँ, तो आप मुझे क्यों हटाना चाहेंगे? ये तो आपके ऊपर है ना। देखिए, ये तो जनता का अपना वो है, मैं उसमें क्या बोल सकती हूँ। जनता जो चाहेगी हम वही करेंगे, हम अपने भी वादे के साथ उतरे हैं। जनता वही निकाय चुनाव के मद्देनजर आज नामांकन का अंतिम दिन है गोरखपुर में, जहां अंतिम दिन पार्षद पद के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की गहमागहमी देखी गई। गोरखपुर के सबसे प्रतिष्ठित सीट माने जाने वाले महापौर सीट पर बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर मंगलेश ने कहा है कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने मुझ पर भरोसा किया है। गोरखपुर और पूरे प्रदेश में योगी जी की सरकार बेहतर और अच्छा काम कर रही है। गोरखपुर शहर को कई विकास की योजनाएं दी है, लेकिन महानगर में सीवर से लेकर वाटर लॉकिंग की समस्या रही है। हालांकि इसको भी दुरुस्त करने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। मेरी जीत के बाद में भी महाराज जी के द्वारा कराए जा रहे इन विकास कार्य को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करूंगा और मूलभूत समस्याओं से जनता से छुटकारा दिलाने का प्रयास करूंगा। स
सभी बहुत उत्साहित हैं और मैं समझता हूं कि सभी का स्नेह हमको प्राप्त होगा और हम भारी मतों से विजयी होंगे। प्राथमिकताएं कुल हम भी यहीं के रहने वाले हैं तो इसलिए सभी की समस्याएं कुछ पता है कुछ नहीं पता है, कुछ लोगों से जानकर उसको और आगे से उसको बेहतर कर। मैं गोरखपुर की जनता से अपील करूंगा कि अगर मुझे वो सब इस लायक समझते हैं तो भारी से भारी मतों से जिताकर हमें यहां पर भेजने का कष्ट करें। वहीं हमीरपुर जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। द्वितीय चरण में हमीरपुर जिले में वोटिंग होना है जिसको लेकर तहसील में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक जिले की किसी भी सीट पर पार्टियों की ओर से प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। 11 मई को होने जा रहे निकाय चुनाव के मतदान के लिए 86 मतदान केंद्र और 252 मतदान स्थल बनाए गए हैं। निकाय चुनाव के लिए 27 सेक्टरों में जिले को बांटा गया है जिसमें 7 नगर पालिका और 124 वार्ड आते हैं। निकाय चुनाव में 2,328 दाता मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर नामांकन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नामांकन स्थल पर निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने नामांकन स्थल का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो वही एक नामांकन स्थल जो हमारा तहसील सदर में बना हुआ है उसी का सुरक्षा का जो हमारी ड्यूटीज लगी है उन्हीं को चेक किया गया है। सभी ड्यूटीज पर मौजूद हैं और बिल्कुल सकुशल और अच्छे से इसको नामांकन प्रक्रिया को पूरा कराया गया। झांसी में नगर निकाय चुनाव प्रथम चरण में होना है जिसको लेकर नामांकन की आज अंतिम तारीख है। वहीं पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी जिसको लेकर पार्षद और अध्यक्ष के साथ मेयर पद के प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया जिसमें झांसी मेयर पद के लिए सपा से सतीश जतारिया, भाजपा से बिहारी लाल आर्य मेयर पद के लिए आमने सामने हैं। वहीं मऊ रानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपना दल एसए हरिश्चंद्र आर्य ने विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य के साथ नामांकन किया। इसके अलावा अन्य पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन किया है। वहीं 20 तारीख तक नाम वापसी होने के बाद 21 को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 4 मई को मतपेटी में बंद हो जाएगी। जीत की उम्मीद जताई जाएगी, बिल्कुल जनता का आशीर्वाद लगातार 4 सालों से है, मतलब 4 बार से, और सामान्य सीट पर भी आपको पता है जीत कर आए थे तो निश्चित ही बहुत अच्छी विजय होगी। और चुनाव चिन्ह इनका कप प्लेट है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट ये गठबंधन से प्रत्याशी हैं। लगातार मऊ रानीपुर वासियों का आशीर्वाद रहा है, चूँकि दिन और रात हमने मिलके माननीय विधायक जी के सहयोग से पूर्व में भी कम से कम लगभग 10 करोड़ रुपया के सुखनई नदी के घाट बनाए, ऐसा आपने पूर्व में देखा है कि चूँकि बड़े बाजार में जब जाम लगता था तो घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे, जब बाईपास पूरे शहर के बन गए हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं है किसी को। वही नगर निकाय चुनाव में दूसरे चरण के नामांकन को लेकर टांडा में डीएमएसपी मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन टांडा अधिकारियों के साथ नामांकन स्थल का निरीक्षण किया है। वही जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 17 अप्रैल से नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वही नामांकन प्रक्रिया 24 अप्रैल तक चलेगी। जिलाधिकारी ने कहा है सभी अधिकारियों के साथ एक एक बूथ की निगरानी की गई है, जिसके साथ उन्होंने कहा है कि टीएनपीजी कॉलेज में टांटा नगर पालिका अध्यक्ष व सभासदों का नामांकन कराया जाएगा और होबर्ट त्रिलोकनाथ इंटर कॉलेज में नगर पंचायत इल्तेफातगंज व अशरपुर किछोछा का नामांकन कराया जा रहा है और लगातार निगरानी बनी हुई है, छोटी मोटी समस्याओं का तत्काल निस्तारण भी किया जाएगा। नगर निकाय के द्वितीय चरण का नॉमिनेशन का जो कार्य है प्रारंभ हो गया है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ का नामांकन का जो पर्चा है उसको लिया जाएगा और यह नामांकन की प्रक्रिया 24 तारीख तक चलेगी और उसी को देखने के लिए कि सारी नामांकन की जो प्रक्रिया है फुल प्रूफ तरीके से सकुशलतापूर्वक चल रही है कि नहीं, मैं यहाँ पर
हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और जो SDM साहब, CO साहब, पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। रेमे बेखौफ चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 3 अज्ञात चोरों ने खाली पड़े एक घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। वहीं पीड़ित ने बताया कि ससुर की मृत्यु हो जाने के कारण ससुराल में सारा परिवार गया हुआ था। घर पर किसी के ना होने से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित के अनुसार लगभग 6,000 की नकदी और जेवरातों को चोरों ने पार कर दिया और सारा मामला बिधुना कोतवाली क्षेत्र के कुरपुरा आदर्श नगर का है। जालौन से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां परीक्षा देकर घर जा रहे एक छात्रा को बाइक सवार दो युवकों ने दिन दहाड़े बीच चौराहे पर उसके सर में गोली मार दी। वहीं कुछ लोग युवकों को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर बाइक सवार युवक मौके पर तमंचा छोड़कर भाग निकला। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जो मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद इलाके का बाजार बंद हो गया है। और अभी तक की जानकारी के अनुसार कोई जानने वाले नहीं ये घटना इसके साथ कारित की है, तो बहुत ही जल्दी हम लोग हमारी टीमें लगी हुई हैं, बहुत ही जल्दी जो भी इसमें आरोपी हैं उनको हम पकड़ के उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें कुछ जानकारियां मिली हैं, अभी शेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी अहम जानकारियां मिली हैं और उन पर हम लोग काम करते हुए जल्दी ही आरोपी को पकड़ने में सफल हुए। नोएडा स्टेडियम में प्राधिकरण का 48वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि सांसद महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह ने 333 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में किन्हीं कारणों के चलते औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल नंदी नहीं आ सके और इस दौरान विधायक पंकज सिंह ने कहा है कि नोएडा नए आयामों की तरफ जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि नोएडा सीवर और अंडरपास के अलावा सड़कों और शहर के विकास पर 333 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तो धूमधाम से नोएडा दिवस मनाया गया, नोएडा दिवस स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान 333 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसके लिए नोएडा वासियों को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। और आज स्थापना दिवस मनाया गया है धूमधाम से, 48वां स्थापना दिवस नोएडा का मनाया गया। तो आज नोएडा का 48वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया है और आज के दिन करीब 333 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया गया। आज यहाँ से 333 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें कनेक्टिविटी, ई साइकिल्स, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन और बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का विकास, साथ ही वाटर को स्ट्रेंथन करने के लिए, एसटीडीज को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। ये परियोजनाएँ हैं जो पूरी हुई हैं या शुरू हुई हैं, इसके अलावा बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आगे आने वाले 2-3 वर्षों में निश्चय ही जो शहर की कनेक्टिविटी आज भी बहुत बेहतर देखने को मिलती है, तो एज अ इंडस्ट्रियल सिटी, एज अ एजुकेशनल सिटी एंड एज अ रेजिडेंशियल सिटी यहाँ के लोगों को बेहतर सिखाएंगे। नोएडा दिवस पर आज कई लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम था जी, उसी में यहाँ पर पहुँचे हैं। नोएडा के 48वें स्थापना दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और काफ़ी डेवलप किया है नोएडा पिछले 8-6 सालों में, तो और प्रगति हुई है, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नोएडा आगे बढ़ रहा है। मैं सभी को
तो फरुखाबाद जनपद पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली, जिसमें 15,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी गई कार से तकरीबन 60 लाख की अफीम भी बरामद की है। वहीं मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। और दरअसल फरुखाबाद जनपद के थाना क्षेत्र जहानगंज में पुलिस व एसओजी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार में 4 आरोपियों समेत 6 किलो अफीम कार से बरामद की थी। जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी अफीम तस्करी कर ला रहे थे और सभी तस्करों की कार जैसे ही पुलिस के सामने पहुंची तो पुलिस को देखकर सभी आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन एसओजी और स्थानीय पुलिस ने सभी आरोपियों को दौड़ाकर पकड़ लिया और आरोपियों के पास से 8 मोबाइल समेत 1500 रुपये भी बरामद किए हैं। वह आरोपी जिस कार में सवार थे उसकी भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया है कि जनपद बरेली निवासी इनामिया गैंगस्टर में वांछित समेत 3 आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। रुक्त आरोपियों से पुलिस ने 15,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। थाना जानगंज के अंतर्गत सीओ मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में जो जानगंज थाना टीम है, एसओजी टीम है और सर्विलांस टीम है, इनके द्वारा एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 15,000 रुपये का जो पुरस्कार घोषित इनामी अपराधी था उसके साथ 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 किलोग्राम नाजायज अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 60 लाख रुपये है। तो बेतवा नदी में नहाने गए 2 बच्चे, नदी में डूबने से हादसा हो गया। बच्चों के परिजनों में भी हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी एकत्रित हो गई है। बता दें महाज्वाल डालकर बच्चों को ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू टीम और गोताखोरों की मदद से बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही। दोनों बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। ललपुरा थाना क्षेत्र के बजेहटा गाँव का मामला। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सतीत ने देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।